पशु चिकित्सालय बड़वानी के सिविल सर्जन द्वारा शासकीय कार्य में बाधा का कोतवाली थाने में पशु मालिक बाबूलाल झापा के विरुद्ध आवेदन कार्रवाई हेतु दिया गया। पशु चिकित्सालय बड़वानी में भैंस के उपचार करवाने गए पशुपालक बाबूलाल ने बताया, उसके साथ उप संचालक पशु चिकित्सालय डॉक्टर एल एस बगल ने धक्का मुक्की कर कार्यालय से बाहर किया। वही भैंस बीमार होने पर उपचार के लिए मंत्री के घर से बाहर भैंस बांधने के बाद मंत्री के हस्तक्षेप के बाद भैंस का उपचार किया गया। वहीं उप संचालक ने बताया कि योजना का लाभ मिल सके इसलिए पशु चिकित्सालय पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत कर दबाव बनाया जा रहा है और हमने भैंस का इलाज छुट्टी के दिन भी कर दिया था। डॉक्टर को कह रहा है कि ताकत का इंजेक्शन लगाओ और वो हमसे भी बात कर रहा है। दरअसल बड़वानी के भारूड मोहल्ला निवासी बाबू पिता झापा के अनुसार भैंस बीमार होने पर पशु चिकित्सालय में भैंस का उपचार करवाने गया। उपचार नहीं होने पर नाराज भैंस मालिक ने अपनी भैंस को पशुपालन मंत्री के घर बाहर बांधा। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने गुहार लगाई, जिस पर पशुपालन मंत्री ने पशु चिकित्सालय पर कॉल कर भैंस को उपचार किए जाने के निर्देश दिए। गुरु नानक जयंती में अवकाश के बाद भी उसका भैंस का उपचार किया गया। शनिवार को सुबह भैंस को पशु मालिक द्वारा उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लेकर जाने के बाद भैंस का उपचार किए जाने के बाद पशु मालिक ने बताया कि बातचीत करने के दौरान पशु चिकित्सालय उप संचालक धक्का मुक्की किए। वहीं उप संचालक एल एस बघेल ने बताया उपचार भैंस का कर दिया गया, इसके बाद डॉक्टरों को आदेश दे रहा है कि ताकत का इंजेक्शन लगाओ भैंस को, इसके बाद हमसे भी बात कर रहा है, जिसके चलते पशु चिकित्सालय के सिविल सर्जन द्वारा शासकीय कार्य में बाधा कोतवाली थाने में पशु मालिक के विरुद्ध आवेदन दिया गया। डॉक्टर बघेल ने बताया कि बाबू पिता झापा द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाकर योजनाओं के अंतर्गत लाभ लिए जाने का अनुचित दबाव हम पर बनाया जा रहा है। डॉक्टर एल एस बघेल, उप संचालक पशु चिकित्सा बड़वानी। सर, एक बाबूलाल झापा भारूड मोहल्ला निवासी से शिकायत कर रहे थे कि मेरी भैंस का इलाज नहीं हो रहा है, मार के निकाला गया है। उसका इलाज कल भी किया था और कल क्या है, छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी के दिन 10 बजे तक ही खुला रहता है। उसके बाद मैडम के पास फ़ोन आया कि मेरी भैंस का इलाज कर दो, तो ये मेरे पूरा स्टाफ मतलब यहाँ पे आके बैठा, अस्पताल खोल के पूरे स्टाफ यहाँ बैठा था कि वो जानते थे कि यार ये इसका इलाज करवाना है और करवाना ही, तो सभी आ गए थे। उसके बाद में वो मंत्री जी के घर पे ले जाकर बांध दी भैंस, तो उसके बाद में मैंने फ़ोन करा इनको, उसके बाद में इसका इलाज कर दिया था। इलाज करने के बाद में वो कहता कि बाटल चढ़ा दो, ताकत की बाटल चढ़ा दो। अब वो ताकत की बाटल डॉक्टर निर्णय करना चाहिए, जबकि वो कहता है कि नहीं मेरे को बाटल चाहिए, कैल्शियम की बाटल, मैं जो कहूँ वो करवा। आज मैं उसको मैंने बात में आया और मैं समझाने के लिए आया कि मैं अगर इसका अगर इंजेक्शन नहीं है तो मैं मेरे जेब से बुला दूंगा, इसलिए मैं बुलाया। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने तो मना करा था कि सब वो कर लेंगे, परंतु वो ऐसी ऐसी बातें जो कर रहा था, गाली गलौज टाइप का बातें कर रहा, हम समझा रहे तो समझना चाहिए ना। इसकी जो सीएम में शिकायत भी है वो गलत है, और वो हमें दबाव बना रहा कि पैसे दो दो, तो कहाँ से पैसे दे दे हम। या शिकायत की है, इसके खिलाफ आपने थाने में शिकायत भी की थी, सूचना दी थी कुछ? पहले हमने ये डॉक्टरों ने सूचना दी थी, बदतमीज पहले भी करी थी, इसके योजना में लाभ दिला चुके हैं और योजना में पुनः हुआ दबाव डाल रहा है कि मुझे या योजनाओं में लाभ दिला दो। हमने ये कहा भाई कोई योजना आएगी और तेरे लायक होगी तो हम योजना में लाभ दिला देंगे। कुछ योजनाएं उसकी कुछ शर्तें रहती है, अभी ये शर्तें पूरी नहीं कर रहा है तो योजना का लाभ कैसे देंगे। मेरा नाम बाबूलाल धनगर है। क्या समस्या लेके पशु चिकित्सालय इसलिए ने आया थे, मेरा जानवर बीमार था और मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी थी, मेरा पशु का इलाज नहीं हो रहा था। तो इस दौरान मैं कल इलाज करवाने भी लाया था यहाँ पर, पन यहाँ पर मेरे जानवर का इलाज नहीं हुआ था, मैंने मंत्री साहब के घर भैंस ले जाके बांध दी थी। मंत्री साहब ने जब तो इनको फ़ोन लगाया और जब मेरी भैंस का इलाज हुआ, और आज भी मेरे को बुलाया था यहाँ पशु चिकित्सालय, बोले आना तेरी भैंस का इलाज करेंगे। आज मैं पशु चिकित्सालय आया और
इलाज करवाने के लिए और एक बाटल लगाई है और इंजेक्शन भी लगाए हैं और मेरे को अन्य दवाई भी लिख के दी है उसका है, तो मैं दवाई ला के ना लगवाना चाहता हूँ, तो जो भी दवाई इन्होंने लिखी वो भी लगा दे। कल मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मुझे ज़िले के जो बड़े अधिकारी जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे धक्का दे के बाहर निकाला है और मारपीट करने के लिए तैयार हो गए और मुझे पुलिस की धमकी दी है, तो मैं आपको पुलिस कंप्लेन करके आपको थाने पे अंदर करवा दूंगा। बस ये समस्या, और मेरी जानवरों का इलाज हो नहीं रहा ढंग से, और करवाता भी हूँ तो दो चार रोज़ बाद वो जानवर मर जाता है, तो ऐसे मेरा जानवरों के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मेरे साथ बेव्यवहार क्यों करना चाहते हैं? आपका मेन मूल शिकायत का कारण क्या है, मेन क्या है? मेन शिकायत यही है कि मेरा पशु का इलाज हो जाए, दवाई गोली मुझे यहाँ से मिले। अभी भी मेरा जानवरों का इलाज किया है पर कोई दवाई गोली नहीं मिली है, ना तो उसको कुछ गोली खिलाने के लिए दिए, ना तो कोई पाउडर दिया है, या तो अभी कुछ दिया नहीं है, तो भाई ये खिलाना दवाई पिलाना है या कुछ हो चुका है आपके यहाँ? हाँ, पहले भी मैं आया था तो पहले भी मुझे यही बोला कि तू हमारी शिकायत करता रहता है, शिकायत बंद कर दे। उसके पहले भी मैंने घनश्याम धनगर को फ़ोन लगाया, उनके माध्यम से मेरी भैंस का इलाज हुआ। और जब भी मैं किसी भी अधिकारी के नाम से वो करता हूँ, जब मेरे जानवरों का इलाज होता है, अगर मैं खुद यहाँ आता हूँ तो मेरे जानवरों का इलाज नहीं होता है, तो ऐसा मैं कब तक करूँगा? कल तो मंत्री साहब ने फ़ोन लगाया जब इलाज हुआ, आज मंत्री साहब यहाँ लाया हूँ तो फिर यह मेरे को धक्का मुक्की कर रहे और धमकी दे रहे हैं। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए, और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।